हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस चैनल अगेन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शीर्षासन के बारे में। सो गाइस, शीर्षासन क्या होता है, शीर्षासन किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, शीर्षासन से क्या लाभ है और शीर्षासन को किस तरीके से किया जा सकता है, आज हम उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, इस आसन को सिर के बल किया जाता है और सिर के बल किए जाने की वजह से इसे शीर्षासन कहते हैं। शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसके अभ्यास से हम सदैव कई बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। हालांकि यह आसन काफ़ी मुश्किल है, यह हर व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। शीर्षासन से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है, शरीर को बल प्राप्त होता है। शीर्षासन किसे नहीं करना चाहिए? यदि आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं तो इस आसन के अभ्यास से पूर्व किसी योग शिक्षक से परामर्श अवश्य करें। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वह इस आसन को हरगिज़ न करें। आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो तो भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपको गर्दन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो भी इस आसन को ना करें। अब बात कर लेते हैं शीर्षासन करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। शीर्षासन से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, इससे मस्तिष्क का रक्त संचार बढ़ता है जिससे कि स्मरण शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। शीर्षासन करने से हिस्टीरिया, हार्निया, कब्ज आदि रोगों से राहत मिलती है। असमय बालों का झड़ना एवं सफ़ेद होना दूर करता है। इस आसन से हमारा पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इस आसन से शारीरिक बल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी प्रकार का डर मन से निकल जाता है। थायराइड ग्रंथि में सुधार होता है और थायराइड के मरीजों को इससे लाभ मिलता है। सो गाइस, अब बात करते हैं आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसे करने के लिए दीवाल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दीवाल से आप करें या फिर बिना दीवाल के फ़ायदे एक ही हैं। सो जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस दीवाल के सहारे अच्छा होना लगेगा, वैसे वैसे आप इसे खुले मैदान में यानी बगैर दीवाल के सहारे स्टार्ट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।